हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निका। जैसा कि आपको पता ही है और आप लोग वॉच कर ही रहे हैं कि हम लोग एसी के ऊपर जो भी अपडेट्स और न्यूज़ होती हैं या जो भी उसके बारे में अच्छी अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी पोस्ट करते रहते हैं एसी से रिलेटेड और एसी के ब्रांड के बारे में और एसी के व्यूज़ के बारे में सब कुछ आपको अपडेट करते ही रहते हैं। थैंक यू गाइज हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। आज हम बात करेंगे एसी के अंदर कितने टाइप के कंप्रेसर यूज़ होते हैं और होते थे पहले। हमेशा कोई भी एयर कंडीशनर हो उसमें दो ही तरह के कंप्रेसर नॉर्मल में यूज़ होते थे जो कि आज भी होते हैं। एक रोटरी कंप्रेसर होता है और एक हार्मेटिक कंप्रेसर जिसको रेसिप्रोकेटिंग भी कहते हैं। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो वज़न में काफ़ी बड़ा होता था और देखने में भी बड़ा होता था जो कि कुछ ब्रांड उसको बनाते थे। आज से 10 से 15 साल पहले वो कंप्रेसर काफ़ी यूज़ में आते थे, लेकिन अभी 2 से 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स ने उन कंप्रेसर को यूज़ करना बंद कर दिया है और मैक्सिमम आपको रोटरी कंप्रेसर ही सब में मिलेंगे। पहले लोग वो जनरल ब्रांड का एसी भी उसी कंप्रेसर के यूज़ के कारण मोस्ट प्रोबली सर्च करते थे, लेकिन अभी आपको इंडिया के अंदर ओ जनरल के अंदर भी रोटरी कंप्रेसर ही मिलता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अभी काफ़ी 2-3 सालों से बैन हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है लगाना। तो इसका क्या रीज़न था जो ये कंप्रेसर बंद हुआ है? सेकंड, इसमें और रोटरी कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेनली गाइस, इसको बंद करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो वर्ल्ड वाइड गैस चेंज हुई है, पहले रेफ्रिजरेंट R22 हमारे एसी के अंदर मैक्सिमम यूज़ होती थी, लेकिन आज से 1 से 2 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम एसीज़ के अंदर R22 बैन हो चुकी है और बंद हो चुकी है। अब मैक्सिमम जितने भी एसी वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं R32 रेफ्रिजरेंट 32 और R410 के अंदर ही आ रहे हैं। जितने भी न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं सबके अंदर, जितने भी नए एसी आ रहे हैं आज की डेट में, सबके अंदर यही गैस यूज़ हो रही है। इसका क्या रीज़न हुआ कि R22 जो 40 साल से 50 साल से यूज़ हो रही थी वो बंद हो गई और R32 यूज़ होनी, R410 यूज़ होनी शुरू हो गई? इसका रीज़न ये है कि जो R22 थी उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते थे जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा था सारा एटमॉस्फेयर। इसी के चलते ये R22 बैन करके R32 जो इको फ्रेंडली गैस है वो लानी पड़ी। और जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जिसे हार्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं, उस कंप्रेसर के अंदर ये गैस नहीं चल सकती और यूज़ नहीं हो सकती, इसीलिए ही हार्मेटिक कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को बैन किया गया है और सभी एसी से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि अब जनरल के अंदर भी वो नहीं आता है। अगर आपको जनरल के अंदर वो कोई एसी के अंदर मिलता भी है आज की डेट में, कहीं पर पुराने स्टॉक में किसी बार होता भी है, तो उसमें आपको R22 गैस के साथ ही मिलेगा, R32 या R410 के साथ नहीं मिलेगा। तो जो रोटरी कंप्रेसर है उसका और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हार्मेटिक कंप्रेसर है जो यूज़ करते थे हम लोग पहले एसी के अंदर, उसमें ये डिफरेंस था कि उसकी जो एक तो कंजम्पशन थी वो रोटरी से थोड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी वेयर एंड टेयर जो एफिशिएंसी थी वो रोटरी से ज़्यादा होती थी। कभी टेम्परेचर बहुत हाई भी चला जाता था, रोटरी कंप्रेसर ट्रिप होने के चांसेस होते थे, बट इसके चांसेस नहीं होते थे ट्रिप होने के। लेकिन आज की डेट में जितने भी रोटरी कंप्रेसर आ रहे हैं वो भी सारे 50, 52, 55 तक टेस्टेड होके आ रहे हैं ताकि वो भी ज़्यादा गर्मी होने पर ट्रिप ना करें। तो मेन जो डिफरेंस था रोटरी और रेसिप्रो कंप्रेसर में वो यही था। और क्यों बंद हुआ वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एसी से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे आपको। बाकी गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।